Hello everyone! Welcome to my YouTube channel, Victory Classes by Cherry Agrawal. We are doing our best to provide you as much as we can. If you find our channel useful, please like, subscribe, and share it. So today I'm here with another general science important questions, which are very beneficial for you. So let's get started. Today's first question is. विच पार्ट ऑफ़ आर बॉडी हैज़ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड स्वेट मीन्स पसीना तो हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा स्वेट ग्लैंडस हैं दैट इज़ पाम ऑफ हैंड जो हमारी हैंड का पाम होता है दैट हैज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंडस मोल्टिंग ऑफ डेंटल इनैमल जो हमारे डेंटल इनैमल होता है हमारे दांतों का निचला इनैमल पार्ट होता है जो हमारा वो ख़राब होने लग जाता है क्यों एक्सेसिव फ्लोराइड की वजह से सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉक सॉल्ट कंटेन्स जो रॉक सॉल्ट होता है उसमें क्या होता है सोडियम होता है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्श गैस मार्श गैस का केमिकल नेम क्या है सी एच फोर दैट इज मिथेन सी एच फोर को मिथेन भी बोलते हैं अटोमिक थ्योरी ऑफ मैटर ये किसने दी है दैट इज गिवन बाई डेल्टन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वॉज डिटर्मिन बाय हूँ जो इलेक्ट्रॉन की एक एब्सोल्यूट वैल्यू है उसके चार्ज की कि वन यूनिट चार्ज इतना होगा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इतनी होगी दैट इज गिवन बाय आर के मिलकर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अटोमिक नंबर का सिम्बल क्या है वॉट इज द सिंबल ऑफ अटोमिक नंबर दैट इज जेड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलमीनाइट इज ओर ऑफ एलमेनाइट जो है वो किसका ओर है मतलब एलमेनाइट में से क्या निकलता है टाइटेनियम नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रास कंटेंस ब्रास किस चीज़ का बना होता है ये बहुत ही इट इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन यू आर रीडिंग अबाउट दिस यू आर लर्निंग अबाउट इट फ्रॉम योर स्कूल टाइम्स सो इट इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन सो ब्रास कंटेंस कॉपर एंड जिंक ब्रोंस नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रोंस कंटेन ब्रोंस में क्या होता है कॉपर प्लस टिन का बना होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज जर्मन सिल्वर जो जर्मन सिल्वर है वो किस चीज का बना होता है कॉपर जिंक प्लस निकल कॉपर होता है जिंक होता है एंड निकल नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्यूज वायर जो फ्यूज़ लगे होते हैं घर में उसमें जो वायर होती है उसकी वो किस चीज़ की बनी होती है दैट इज मेड अप ऑफ लेड प्लस टिन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मस्ट हाउ मच परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन कास्ट आयरन में कितनी परसेंटेज कार्बन होती है दैट इज जीरो पॉइंट वन से लेकर जीरो पॉइंट टू फाइव तक उसमें कार्बन होती है जो स्टेनलेस स्टील होता है वो स्टील जिसको Uh, जर नहीं लगती है सो दैट इज मेड अप ऑफ क्रोमियम कार्बन एंड आयरन कार्बन की मात्रा उसमें कम होती है नेक्स्ट इज वट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस विच प्रोसेस द स्मेल्टिंग एंड रोस्टिंग ऑफ आओर दिस प्रोसेस इज कोल्ड पायरो मेटलॉजी नेक्स्ट इज अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल इज डन मेटल की अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन किस से की जाती है जोन मेल्टिंग से वट डू वट कैटलिस्ट डू जो कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है दैट चेंज एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देता है किसी भी आ, को एक्टिव करने के लिए उसमें चेंजेस लेके आता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज मटेरियल इन रिचार्जेबल बैटरी जो वो बैटरीज होती हैं जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं दोबारा दोबारा अगर वो डाउन हो जाए तो वो किस मटीरियल की बनी होती हैं दैट मटीरियल इज मेड अप ऑफ दैट बैटरी इज मेड अप ऑफ निकल प्लस कैडमियम वी हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन कैटलिस्ट कैटलिस्ट क्या करता है कैटलिस्ट इंक्रीज इज द रेट ऑफ रिएक्शन अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो वो एक स्पीड से हो रही होगी तो उस स्पीड को इंक्रीज कर देता है कैटलिस्ट नेक्स्ट इज स्वीटेस्ट शुगर सबसे स्वीटेस्ट शुगर कौन सी होती है फ्रक्टोस ब्लड प्योरीफाइड बाय ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है कागुलेशन की नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्क इन टू करड जो दूध है वो दही में बदल जाता है किसकी वजह से ड्यू टू रेन इन इंजाइन नेक्स्ट इज विच इज द नेचुरल पॉलीमर नेचुरल पॉलीमर कौन सा है दैट इज स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मडी वाटर जो मडी वाटर होते हैं दैट इज़ ट्रीटेड विद एलम कहते हैं उनको एलम से ट्रीट किया जाता है एलम क्या होता है केमिकल कंपाउंड होता है इट इज़ अ हाइड्रेटेड डबल सल्फेट सॉल्ट सो दिस एलम इज यूज टू प्योरीफाई द मडी वाटर एंड विच प्रोसेस इज दिस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कागुलेशन ब्लड प्यूरीफाई करने के प्रोसेस को भी कागुलेशन बोलते हैं और मडी वाटर को ट्रीट करने के लिए भी क्या बोलते हैं कागुलेशन नॉन मेटल विच शोज एलोट्रॉपी इन लिक्विड स्टेट फर्स्ट यू मस्ट नो व्हाट इज एलोट्रॉपी एलोट्रॉपी मींस कि कोई ऐसा केमिकल एलिमेंट जो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो वो कौन सा नॉन मेटल है दैट इज सल्फर जो एलोट्रॉपी शो करता है एक लिक्विड स्टेट में

ओपेरिन थ्योरी ओपेरिंग थ्यूरी अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में ओपेरिन की थ्योरी क्या है इज़ अबाउट केमिकल एवोल्यूशन कि केमिकल में जो चेंजेस आते हैं तो उस उसी की वजह से ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ है उसी की वजह से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है नेक्स्ट इज इम्पल्स इम्पल्स इज इक्वल टू टाइम इन टू टी ये फॉर्मूला है ये पूछा जाता है नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ आई कंट्रोल लाइट कौन सा आईज़ का हमारा कौन सा पार्ट है जो लाइट को कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट जो है वो हमारी आईज़ के अंदर एंटर होनी चाहिए सफिशेंट uh, लाइट तो दैट इज़ कॉर्निया कॉर्निया हमारे आई का ऊपर वाला ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है एंड इट कंट्रोल्स द लाइट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ़ जी जी मतलब ग्रेविटी तो ग्रेविटी की मैक्सिमम वैल्यू पोल्स पे होती है दैट इज़ नॉर्थ पोल साउथ पोल क्योंकि वो पार्ट जो है नॉर्थ पोल साउथ पोल दैट आर वेरी क्लोज टू द सेंटर ऑफ द अर्थ सो इसी की वजह से वहाँ पे ग्रेविटेशनल फ़ोर्स ज़्यादा है और हमने पहले भी किया था दैट द वेट ऑफ आर एनी थिंग सो दैट इज़ मैक्सिमम एट द पोल क्योंकि वहाँ पे फोर्स ज़्यादा है प्रोटीन फाउंड इन एग एग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दैट इज एल्बुमिन व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सलरेशन दैट इज मीटर पर केयर सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट इज फार्मूला ऑफ रस्ट दैट इज इक्वल टू एफ ई टू ओ थ्री दैट इज आयरन ऑक्साइड इन टू एच टू ओ विच इज वॉटर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फार्मूला ऑफ एलम एलम आपको बताया था दैट इज़ अ हाइड्रेटेड डबल सल्फेट सॉल्ट जो कांगुलेशन प्रोसेस में हेल्प करता है मडी वाटर को प्योरीफाई करने के लिए दैट इज के टू एस ओ फोर ए एल टू एस ओ फोर थ्री बॉन्डेड विद टू फोर एच टू ओ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एथेनोइक एसिड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिटिक एसिड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडजस्ट पुपिल जो हमारी आइज में प्यूपिल का पार्ट होता है उसको एडजस्ट कौन करता है इरिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज एब्जॉर्ब हीट वो कौन हीट को एब्जॉर्ब करने को क्या बोलते हैं एंडोथर्मिक और हीट को रिलीज करने को क्या बोलते हैं एक्जोथर्मिक नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनर्जी प्रेजेंट इन फॉलोइंग कोकोनट अगर कोकोनट गिर रहा है लगा नहीं हुआ गिर रहा है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी जैसे पानी अगर मूव कर रहा है फ्लो कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है अगर कोई चीज़ स्टेबल है स्टिल है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी नेक्स्ट क्वेश्चन इज सन एनर्जी इज ड्यू टू सन में जो एनर्जी होती है वो किसकी वजह से होती है फ्यूजन ऑफ एच मॉलिक्यूल दैट इज़ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपस में जो फ्यूज हुए होते हैं बॉन्ड जुड़े होते हैं तो उसकी वजह से सन एनर्जी होती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेव्स प्रोड्यूस बाय वेल जो वेल होती है जो वो वेव्स प्रोड्यूस करती है वो कौन सी वेव्स होती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस बाय डॉल्फिन दैट आर इंफ्रासोनिक नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीरियड्स हैविंग एट एलिमेंट्स ऐसे कौन से पीरियोडिक टेबल में कौन से पीरियड्स हैं जिसमें एट एलिमेंट्स हैं दैट इज थ्री फोर फाइव सिक्स थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स पीरियड में एट एलिमेंट्स हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैमडा सी जो है यहाँ पे क्या है स्पीड है एंड

इनके थ्रू ये जो प्रोटोजोन प्लास्मोडियम है हमें पहुंचता है ह्यूमन बॉडी में आता है और हमें मलेरिया होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंज़ाइम इन स्लाइवा स्लाइवा में कौन सा इंजाइम होता है दैट इज पटाइलिन एंड लाइजोजाइमोस नेक्स्ट क्वेश्चन इज कनेक्शन ऑफ बोन टू बोन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर बोन हमारी बॉडी में बोन बोन से जुड़ी होती है किसकी वजह से टेंडन की वजह से बोन मसल से जुड़ी है ड्यू टू लिगामेंट याद रखना है कि बोन टू बोन कनेक्शन इज टेंडन बोन टू मसल कनेक्शन इज लिगामेंट दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट वट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड दैट इज एफ ई टू ओ थ्री What is Fe2O3? So, that's all about today's video about general science. So, uh, I have done my best to include all the questions which are very, very important for you. So, I hope you will like us, like our video. And so, if you like it, then please share and subscribe. It uh, we will come again with another important videos on various subjects. So, uh, this is just a beginning, just Stay connected. So, uh, thank you very much for today. Stay safe and stay healthy, and share this video as much as you can so that it can benefit most of the people. Thank you very much.